उन्होंने हमारे दो जवानों को चोट पहुंचा दी है। दोनों जवानों को फर्स्ट एड दो और इवैक्यूएट करो और सभी को बोलो कि आर्ट मजबूत करेंगे। और बिल्कुल अल्फा मिलिटेंट घर से निकल के बाईं तरफ खेतों में भागे। ओवर रोजर। मिलिटेंट की इस भागने की हरकत को देखते हुए तुरंत कॉर्डन को रियलाइन किया गया और भागने वाले सभी रस्तों को पूरी तरह से कवर किया गया। इसी दौरान सिविलियंस की भीड़ इकट्ठा हो गई जिन्होंने फौज पर भारी मात्रा में पथराव करना शुरू कर दिया। अल्फा मिलिटेंट दाहिने तरफ खेतों में भागा है, कॉर्डन को रियलाइन करो और तुरंत भागने वाले रस्ते को कवर करो। ओवर। रोजर। सिविलियंस की ये भारी भीड़ लगातार आगे बढ़ने लगी और कॉर्डन में लगी फौज पर भारी मात्रा में पथराव करने लगी। फौज ने हालात को गंभीरता को समझा और जेकेपी और सीआरपीएफ की मदद से सिविलियंस को बढ़ती भीड़ को दूर ले जाने की कार्रवाई में जुट गई। वानारा बटालियन ने ना तो सिर्फ यकीन किया कि मिलिटेंट भाग न सके बल्कि अपनी दृढ़ता और बहादुरता से सिविलियंस की बढ़ती भीड़ को ऑपरेशन साइट से दूर भी ले गई। फौज ने इस हॉस्टाइल पॉपुलेशन को ना तो सिर्फ ऑपरेशन में आने से रोका बल्कि ये भी यकीन किया कि सिविलियन की जान और माल का नुकसान ना पहुंचे। सिविलियंस की बढ़ती भीड़ को फौज और जेकेपी ने बहुत बहादुरी से रोका और मिलिटेंट्स को कॉर्डन से बाहर नहीं निकलने दिया। कॉर्डन के रियल माइनमेंट से मिलिटेंट को सिविलियंस के साथ मिलाप करने से भी रोका गया। इसी दौरान मिलिटेंट से फिर कॉन्टैक्ट साबित किया गया और बहादुरी से दोनों लक्ष्य तैबा के मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। फोर अल्फा मेरे को मिलिटेंट सामने दिख रहा है, सबको बोलो दाहिने खेत में फायर करेंगे। और इस ऑपरेशन की कामयाबी का श्रेय फौज के बहादुर जवानों को जाता है जिन्होंने ना तो सिर्फ लक्ष्य तैबा के खूंखार मिलिटेंट को ढेर किया परंतु
सिविलियंस को भी कम से कम नुकसान पहुंचाने का मादा हासिल किया।